और अब ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां जयविलास पैलेस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, भी आपको बता दें। दरअसल जयविलास पैलेस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने यहां पर प्रदर्शन किया। मुन्नालाल गोयल का टिकट कटने से कार्यकर्ता पूरी तरीके से नाराज है। सैकड़ों की संख्या में मुन्नालाल के समर्थक पहुंचे हैं। जयविलास पैलेस के गेट पर समर्थकों को रोका गया। और आपको बता दें कि मुन्नालाल ग्वालियर पूर्व विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने माया सिंह को उम्मीदवार बनाया। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितने उग्र तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आपको बता रहे कि टिकट को लेकर के प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी तरीके से प्रत्याशी से नाखुश है यहाँ पे कार्यकर्ता, जिस वजह से वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी में आप टिकटों के बंटवारे के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी के लोग हैं, जयविलास पैलेस है उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और उसको घेर लिया है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या में यहां पर प्रदर्शन करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, टिकट को बदलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ग्वालियर पूर्व विधानसभा से माया सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है यानी कि मुन्नालाल गोयल के जो समर्थक है, उनका कहना है कि गलत टिकट का चयन किया गया है, उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। और अब ये लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए पहुंचे हुए और साफ यही कह रहा है कि टिकट बदला जाए। क्या विरोध है आप लोगों का? हम लोग चाहते हैं कि गोयल साहब को टिकट दिया जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि गोयल साहब को टिकट दिया जाए। क्या उन्होंने 3-5 साल पूरे क्षेत्र में मेहनत की है और जनता यही चाहती है। बेस्ट वर्ग का अपमान हो रहा है यहाँ पर, इसलिए बेस्ट वर्ग से चाहता है कि मुन्नालाल गोयल जी को टिकट दिया जाए। तो आप देखेंगे कि ये लोग हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन का जारी है। सिंधिया जी से मिलने के लिए ये लोग आगे निकले हुए हैं। हालांकि गेट नहीं खुले गए, लेकिन ये गेट के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो। आप देखेंगे कि ये लोग बैठे हुए हैं, महल में बैठे हुए हैं, सिंधिया जी से बात करना चाहते हैं, उसी के लिए ये लोग पहुंचे हुए। हमारा सहमत साहब से एक ही मांग है सारे लोगों की, सारे जो क्षेत्रीय जनता है, और क्षेत्रीय जनता सारी यही चाहती है कि जो टिकट हुआ है गोरखपुर का, वो बहुत गलत टिकट हुआ है। मुन्ना भैया का टिकट हो, ये टिकट कैंसिल हो, ये सारे लोग हम लोग निवेदन करने आए हैं उनसे। कब तक ये विरोध जारी रहेगा? विरोध तो महाराज से भारी बात हो रही है और महाराज साहब से हम आश्वासन लेके जाएंगे कि ये टिकट चेंज किया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो निष्क्रिय है। और महिलाएं भी है, महिलाएं जब तक श्रीमद सिंधिया जी हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे, हमारा धरना यहाँ चालू रहेगा। और श्रीमद सिंधिया जी एवं वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से हमारा निवेदन है कि इस टिकट पर विचार करके इस टिकट को बदला जाए, अन्यथा ये ग्वालियर पूरा विधानसभा की सीट 20-25 हजार से हारेगी और कांग्रेस पार्टी को ये सप्रेम भेंट की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, प्रदर्शन का दौर है शुरू हो गया। आप देखना यही है कि संगठन और सिंधिया जी यानी कि ज्योतिराज सिंधिया इसको लेकर किस तरह का फैसला लेते हैं, यानी कि संगठन में अपनी बात रखते हैं, जिस तरह का जो विरोध हो रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने हंगामा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के सामने प्रदर्शन किया है। सिंधिया की गाड़ी के आगे मुन्नालाल के समर्थक लेट गए और सिंधिया ने मुन्नालाल गोयल के समर्थकों को फिलहाल समझाइश दी, लेकिन मुन्नालाल गोयल के समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं और माया सिंह को टिकट मिलने का यहाँ विरोध किया जा रहा है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से प्रत्याशी को लेकर और विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। सिंधिया ने मुन्नालाल गोयल के समर्थकों को हालांकि समझाया, सिंधिया के गाड़ी के सामने समर्थक लेट गए और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समझाइश का कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। ग्वालियर से आप तस्वीर देख रहे हैं IBC 24 पर लाइव, जहां माया सिंह को टिकट मिलने का यहां कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और विरोध के स्वर आप देखेंगे कि किस तरह से झड़प दिखाई दे रही है। सिंधिया भी आपको वहीं पर दिखाई देंगे, जहां पर वो समझाइश देते हुए और जो कार्यकर्ता गाड़ी के सामने लेटे थे उन्हें उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझाइश लगातार यहां दी जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता है कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कितने सारे कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं सैकड़ों की संख्या में और गाड़ी के सामने किस तरह से वो लेटे थे। हालांकि सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद है, वो कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाइश देने की। सिंधिया भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता लगातार माया सिंह का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाने देने की मांग की जा रही है, बदलने की मांग की जा रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जहां सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितने सारे संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और विरोध प्रदर्शन यहां किया जा रहा है।
आई।